हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने SHA-1 जो साइनिंग रिपोर्ट होती है, जो साइनिंग की जनरेट करते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, जब हमने अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस पे अपलोड करना होता है, तो फायरबेस पे अपलोड करना होता है अपने डेटाबेस को, तो उसके लिए SHA-1 कीज़ की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मैंने इसका SHA-1 की जनरेट करनी है, ठीक है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर जैसे आप नॉर्मली हम जाते हैं, तो ये देखो मेरा पहले वर्जन देख लो कौन सा है, मेरा जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसके अंदर, ये है एंड्रॉयड स्टूडियो बम्बलबी, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, 17 फरवरी 2022 में ही आया है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, ये जो आपके राइट साइड में दिखेगा ग्रेडल, ठीक है, तो इस ग्रेडल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक माई एप्लीकेशन। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आ जाएगा रन कॉन्फ़िगरेशन और ऐप। ऐप में देखूँगा तो ये आ जाएगी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो यही सारा आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या इसके अंदर आता है एक, इस ऐप के अंदर आएगा टास्क, तो ये टास्क अभी आ नहीं रहा इसके अंदर। तो काफ़ी लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि शो नहीं हो रहा, तो इसको कैसे शो करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टास्क नहीं आ रहा, यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई है सिर्फ, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सॉरी, आपने इसी में ग्रेडर में था, ऊपर देखो आएगा ये जो ये बिल्ड टूल सेटिंग होएगा, ठीक है, या फिर ये टास्क लिखा होगा, ठीक है। किसी पे भी आप क्लिक कर देना तो यहाँ पे आपकी ये एक सेटिंग वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में आपने जाना है एक्सपेरिमेंटल में, और यहाँ पे देखो इस ग्रेडल में देखो क्या आएगा, चेक बॉक्स हुआ पड़ा, आपने इसको अनचेक कर देना, ठीक है। अनचेक करके यहाँ कर देंगे अप्लाई और कर देंगे ओके, ठीक है, बंद हो गया। अब एक और चीज़ करनी है, फाइल में जाएंगे हम, फाइल में जाके यहाँ पे हमने करना सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल, ठीक है। तो इससे हम कर देंगे प्रोजेक्ट को सिंक, ये प्रोजेक्ट हमारा सिंक हो जाएगा ग्रेडल फाइल के साथ दोबारा से, ठीक है। तो एक बार इसको ग्रेडल हो जाते हैं ना, देखो ग्रेडल हो गया कंप्लीट। तो अब दोबारा से मैं ग्रेडल को ओपन करूँगा तो देखो यहाँ पर आ गया टास्क। देखो फ्रेंड्स, आपके सामने ये है, पहले ऐप के अंदर डिपेंडेंसी आ रहा था, टास्क नहीं आ रहा था, बट अब क्या आएगा, टास्क भी आ गया इसके अंदर। तो टास्क को जब मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर देखो ये फाइल्स आ जाएगी सारी। यहाँ पे हमने जाना है एंड्रॉयड में, तो एंड्रॉयड पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा साइनिंग रिपोर्ट, ठीक है। तीन ऑप्शन है, बट हमने साइनिंग रिपोर्ट जनरेट करनी है, हमारा SHA-1 उसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे अभी इसकी रिपोर्ट जनरेट होने लग गई है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी रिपोर्ट हो गई जनरेट, तो ये हमारा आ गया SHA-1 कीज़ जो हमने यूज़ करना होता है अपने फायरबेस पे जब प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं। तो SHA-1 की कीज़ ये आ गई है, बस आपने क्या करना होता है, इतनी कीज़ आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी होती है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको जरूरत है जिस फायरबेस में, ठीक है। तो ये ऐसे जनरेट होता है SHA-1 कीज़, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या फिर आपका कोई और वर्जन में हो तो वो भी आप मेरे को बता देना, आपको जो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही फिर भी मेरे को बता देना। वैसे तो ये जो तरीका मैंने बताया इससे आपका हर वर्जन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।